गुड इवनिंग एवरी वन एंड टूडेज टॉपिक वी आर गोइंग टू स्टडी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस वो होता है जिसमें मालूम पड़ता है कि काम जो है प्रेजेंट में परफेक्टली डन हो चुका है। इसका आइडेंटिफिकेशन आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, इसकी पहचान होती है इस सेंटेंस के लास्ट में लगा रहता है चुका है, चुकी हैं, चुके हैं, यानी कि आपको मालूम पड़ेगा कि काम परफेक्टली डन यानी कि पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया है या हो चुका है। ऐसे सेंटेंस को हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। आइए देखते हैं इसका पॉजिटिव स्ट्रक्चर क्या होता है, यानी कि अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे होगा। इसका स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट होता है। स्टूडेंट लोग जितना है माइक अपना वो ये कर ले, म्यूट कर ले, क्योंकि रिकॉर्डिंग पे है। जो क्वेश्चन है आप पूछ सकते हैं, रिकॉर्डिंग पे है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप चुपचाप सिर्फ देखते रहेंगे। आप पूछिए, आपके दिमाग में जो भी क्वेश्चन आता है आप पूछ सकते हैं। अभी हम लोग पिछले क्लास का थोड़ा सा रिकैप ले रहे हैं और आज हम लोग इसका यस नो इंट्रोगेटिव और WH इंट्रोगेटिव पढ़ेंगे। जैसे कि एक एग्जांपल है, वह दिल्ली पहुंच चुका है, ही हैज़ रीच्ड दिल्ली, है ना, वो दिल्ली पहुंच चुका है। यहाँ रीच का इस्तेमाल करेंगे और ही के साथ हैज़ आता है, आप लोगों को मालूम होगा, ये पहले ही अर्लियर क्लास में पढ़ा दी गई है। मैंने फॉर्म भर दिया है, आई हैव फिल्ड द फॉर्म, मैं घर पहुंच चुका हूं या मैं घर पहुंच गया हूं, आई हैव रीच्ड होम, सारे मेहमान आ चुके हैं, ऑल गेस्ट्स हैव अराइव्ड। कल हमने समझाया था अराइव और रीच में डिफरेंस क्या होता है। अराइव यानी आपके पोजीशन पर अगर कोई आता है या कोई चीज़ आता है, कोई मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आता है, कुछ भी आता है आपके पोजीशन पे, तो उसके लिए हम अराइव का यूज़ करते हैं। अगर आपके पोजीशन से अपोजिट डायरेक्शन में जाता है तो उसको हम रीच यूज़ करते हैं। वहाँ पे सप्तक्रांति ट्रेन दिल्ली पहुँच चुकी है, अभी हम लोग बेतिया में हैं, इसके लिए यूज़ करेंगे रीच वर्ड का। द सप्तक्रांति ट्रेन हैज़ रीच्ड दिल्ली। सप्तक्रांति ट्रेन के पहले द लगाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि कोई भी चीज़ जो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट होता है उसका एक प्रॉपर नेम होता है, उसके साथ हम द का इस्तेमाल करते हैं। मैं स्कूल पहुंच चुका हूं, आई हैव रीच्ड स्कूल, मैं बिजली का बिल जमा कर दिया हूं, आई हैव पेड द इलेक्ट्रिसिटी बिल। ये हो गया आपका पॉजिटिव यूज़। आइए नेगेटिव को भी देख लिया जाए। नेगेटिव में बस यही बात हुई थी, नेगेटिव स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट होता है। उसका एग्जाम्पल ये है कि मैंने अब तक बिजली का बिल जमा नहीं किया है, आई हैव नॉट येट पेड द इलेक्ट्रिसिटी बिल। और उसके बाद हम लोग पिछले जो तीन टेंस पढ़े हुए हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इन तीनों के लिए प्रैक्टिस सेट हम लोग बनाने के लिए कुछ क्वेश्चन यहाँ पे हिंदी में लिखे हुए थे और आप सभी स्टूडेंट ने बनाया और बना करके भेजा भी। तो आज हम लोग पढ़ेंगे इस सेंटेंस का यस नो इंटरोगेटिव। आइए देखते हैं यस नो इंटरोगेटिव। आप लोगों को मालूम होगा कि यस नो इंटरोगेटिव में बताया गया है कि जिसका जवाब हम सिर्फ यस और नो में देते हैं वो यस नो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। उसे हम देख लेते हैं। किसी को कोई डाउट यहां तक? नो सर। यस नो इंट्रोगेटिव है, यस नो इंटरोगेटिव। नेगेटिव हटा देते हैं, अभी नेगेटिव इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे। यस नो इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर बस यही करना है। जैसे आप देखिए हम कैसे ये हैव और हैज को यहाँ से उठाते हैं और उठा करके ला करके सीधे आगे रख देंगे, बस यही होता है यस नो इंटरोगेटिव का स्ट्रक्चर जो पिछले तीनों टेंस में हम लोग करते आए हैं। किसी भी सेंटेंस को यस नो इंटरोगेटिव बनाने के लिए उसके हेल्पिंग वर्ब को हम सब्जेक्ट से पहले रख देते हैं, वो हमारा यस नो इंटरोगेटिव सेंटेंस हो जाता है। अब कुछ एग्जांपल्स लेंगे इससे रिलेटेड।
जैसे कि कोई एग्जाम्पल ले लिया जाए कि क्या ट्रेन खुल चुकी है, क्या मोहन घर आ चुका है ना, क्या आप लोग जा चुके हैं, है ना, इस तरह से जो भी सेंटेंस है, क्या खाना बन गया है ना, क्या एक परीक्षा शुरू हो गई है, इस तरह से जवाब पूछना है कि काम परफेक्टली डन अभी हुआ है या नहीं हुआ है, तो ऐसे सेंटेंस को हम यस नो इंटरोगेटिव सेंटेंस के कैटेगरी में रखते हैं। आइए देखते हैं कुछ सेंटेंस हिंदी में। क्या ट्रेन खुल चुकी है? क्या ट्रेन खुल चुकी है? अब चलिए इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं यस नो इंटरोगेटिव का। तो आपको पता है ट्रेन क्या है, एक सिंगुलर नाउन के बारे में हम बात कर रहे हैं। सिंगुलर नाउन के बारे में जब बात हो रही है तो इसके साथ हम हैज़ वर्ड का सिलेक्शन करेंगे। यहाँ हैज़ हम पहले लिखेंगे, आपको मालूम होगा हैज़ द ट्रेन, हैज़ द ट्रेन स्टार्टेड, हैज़ द ट्रेन स्टार्टेड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस बारी बारी से हम पूछते हैं आप लोगों से, एक एक एग्जाम्पल आप लोग बताइए। जैसे कि स्क्रीन पे है हमारे आशीष, आशीष बताइए आप कि एक सेंटेंस बताइए। क्या मोहन घर आ चुका है? अच्छा चलिए इसको सामने ही लिखते हैं। क्या मोहन घर आ चुका है? अब आप माइक ऑफ कर लीजिए, फिर पूछेंगे तो बोलिएगा। किनका माइक ठीक है वो थोड़ा इसका जवाब दें। माजिद जरा बोलिए तो, क्या मोहन घर आ चुका है, इसको इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे? क्या माइक ऑफ कीजिए अपना, लाउड स्पीकर वाला वो। माइक को म्यूट मत कीजिए, वो जो आप होते हैं ना स्पीकर हैंड फ्री करते हैं, वो हैंड फ्री नहीं करना है। अब बोलिएगा, सुनाई देगा, बोलिए क्या मोहन घर आ चुका है? मोहन अराइव द होम? द तो एकदम लग रहा है होलसेल मार्केट में फ्री में मिल रहा है, जहाँ मन करे द थोड़ी लगाते रहेंगे मुफ्त में, है ना। आदमी के नाम के पहले द नहीं लगाते हैं, द कहाँ लगता है, किसी कोई स्पेसिफिक चीज़ होता है जो खास चीज़ है, द का यूज़ बहुत सारा है, लेकिन इंसान के नाम के साथ द नहीं लगाते हैं, ठीक है। तो हैज़ तो आपने बहुत ही अच्छा बोला, चलिए हैज़ लिखेंगे आपने जो कहा। हाँ हैज़, As the Mohan arrive home, नहीं द क्यों लगाएंगे, मोहन लग रहा है कि कोई as arrive home, हैज मोहन, हैज मोहन, arrive के बाद the द भी नहीं लगेगा, हैज तो मोहन अराइव्ड होम, ठीक है। कोई खास स्पेसिफिक होम थोड़ी है, शीशा का बना हुआ घर थोड़ी है, ठीक है। क्या मोहन घर आ चुका है? हैज मोहन अराइव्ड होम, यानी कि जो घर, जो क्वेश्चन है पूछने का, वो आपके घर के लोकेशन पे फोकस है, आपके घर पे आने का है, इसकी वजह से यहाँ अराइव होता है, अराइव हुआ है, घर आ चुका है। वही होता कि अगर स्कूल में है, स्कूल से अब तक घर नहीं पहुँचा है, तो स्कूल से अगर इंक्वायरी करेंगे तो पूछेंगे कि क्या मोहन घर पहुँच चुका है, तो उस सिचुएशन में होता कि हैज़ मोहन रीच्ड होम, ठीक है। क्या होता, हैज़ मोहन रीच्ड होम, ठीक ना, इस तरह से सेंटेंस को हम बनाते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल कि क्या क्लास शुरू हो चुका है, ऐसे भी अगर कोई सेंटेंस हो तो कैसे बनाएंगे? क्या क्लास शुरू हो चुका है? क्या इंग्लिश क्लास शुरू हो चुका है? As the class is started. ईज कहाँ से आ जाएगा, थोड़ा आराम से पेशेंस से धैर्य रखना पड़ेगा। आइए नीचे आते हैं, ये जगह
चलिए, क्या इंग्लिश की क्लास शुरू हो चुकी है? और कहाँ गए, एकदम खामोशी बरपा रखे हैं भाई। कौन कौन है? माजिद, माजिद आप बोल नहीं रहे, आपसे पूछा गया है क्वेश्चन। सर बोलने जा रहे थे बीच में, फिर कोई कोई बोल बोल रहा रहा था था तो तो हम हम साइलेंट साइलेंट हो हो गए गए सर सर। उसमें। नहीं, अब जिनका नाम रखते हैं बस वही बोले, ठीक है? चलिए माजिद बोल बोलिए, आप इसको बनवाइए। क्या इंग्लिश की क्लास शुरू हो चुकी है? द इंग्लिश क्लास स्टार्टेड। वेरी गुड। हैज द इंग्लिश क्लास, हैज द इंग्लिश क्लास स्टार्टेड? वेरी गुड। यहाँ द क्यों लगाए हैं? क्योंकि यहाँ पर फोकस हमारे द के लिए, हमने इंग्लिश नहीं लगाया है बल्कि इंग्लिश क्लास के लिए फोकस्ड हैं हम, इसके वजह से यहाँ द लगाए हैं, क्योंकि लैंग्वेज के नाम के पहले द का इस्तेमाल नहीं करते हैं, ठीक है? चलिए, अब कौन है मौजूद है? सलमान है ना? क्या सलमान क्लास ज्वाइन कर चुके हैं? ये सेंटेंस आपके लिए है। क्या सलमान क्लास ज्वाइन कर चुके हैं? इस तरह से आपका सेंटेंस मैं हिंदी लिख देता हूँ। क्या सलमान, क्या सलमान है क्लास, सलमान ज्वाइन दिस क्लास। एक सेकेंड आ रहा हूँ मैं। ज्वाइन, इसका हिंदी है मेरा, नहीं दीजिए इंग्लिश में ही। ज्वाइन कौन? सलमान बोलेगा और दूसरा क्लास कोई नहीं बोलेगा। यस सर, है सलमान ज्वाइन दिस क्लास। हाँ, हैज, सॉरी इसको इंग्लिश में बोल सलमान रहा हूँ। ज्वाइन दिस क्लास। ज्वाइन बोल रहे हैं कि आप ज्वाइंट बोल रहे हैं? ज्वाइन JOINED। हाँ ठीक है। हैज सलमान ज्वाइन दिस ज्वाइन क्लास क्वेश्चन मार्क। द, हाँ वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट आइए। अब बात करते हैं, कौन है? आशीष, आशीष आपने बोल दिया है। यस सर। आशीष आपका सेंटेंस कौन सा था? सेकंड वाला था। अच्छा, तो सलमान हो गए, आशीष स्पीकर लेके बैठा है का आशीष? नहीं। सलमान कुछ नहीं बोलना है आपको, बाहर का कोई भी अनवांटेड सेंटेंस नहीं बोलिए, रिकॉर्डिंग पे है, यूट्यूब पे जाएगा, सारे लोग देखेंगे। क्या बोलें, कैसे इनडिसिप्लिन बच्चे हैं, बीच बीच में बोलते रहते हैं। आज रिकॉर्डिंग ऑन है ना। अब चलिए, आप आइए। माजिद बोल चुके हैं, सलमान बोल चुके हैं, आशीष हो चुके हैं। पंकज, कुछ समझ में आ रहा है आपको? पंकज पहली बार क्लास ज्वाइन किए हैं तो जाहिर सी बात है कि आपको प्रॉब्लम होगा। शहाबुद्दीन, जी सर। शहाबुद्दीन आप आप एक सेंटेंस बताइए। प्रेजेंट एक परफेक्ट टेंस सेंटेंस के माइक, वो माइक ऑफ कीजिए, वो हैंड फ्री किए हैं, वो हैंड फ्री ऑफ कीजिए। हाँ बोलिए। अब साहबुद्दीन सर सेंटेंस बोलिए कोई, सेंटेंस तो बोलिए। फिर वही क्या बात। ये लोग बाजार जा चुके हैं? क्या, ये लोग बाजार जा चुके हैं? अच्छा मामला गंभीर है लग रहा है, उसके बिना काम नहीं चलने वाला। वे लोग बंद करो अब, हमें बोल रहे हैं वे लोग बाजार। क्या लगेगा, क्या ये लोग बाजार जा चुके हैं? हाँ, बिना क्या का तो क्वेश्चन होगा नहीं। बंद करो ना लाउड स्पीकर अपना। क्या वे लोग बाजार जा चुके हैं? चलिए, नहीं बंद कीजिए यार, कसम खा ली मैंने। हाँ बनवाइए तो। हैव दे हैव है वे लोग हैं। हाँ वे लोग हैं। एक बार बोल एक दीजिए। बार बोल दीजिए। हैव हाँ दे जी, गोज टू मार्केट। हैव दे हैव दे गोज टू मार्केट। गोज काहे के लिए गोज आएगा काहे के यहाँ? लिए आएगा? गोज क्यों आएगा? गो क्यों गो नहीं आएगा? आएगा यहाँ ना, गो गॉन आएगा, गो का घर गो का, का
वर्ब थ्री फॉर्म कौन सा होता है? गॉन होता है, GON ई गॉन। ठीक है, हैव दे गॉन टू मार्केट, हैव दे गॉन टू मार्केट। आपको बताया गया था पिछले क्लास में कि टू का इस्तेमाल यहाँ क्यों करेंगे, अगर हम हमारा कोई पोजीशन, बंद कीजिए माइक का म्यूट, सुनेंगे हुआ। हाँ, या टू इसलिए लगाते हैं कि हमारा कोई स्थान परिवर्तन होता है, इफ़ वी ट्रैवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस और आवर पोजिशन इज चेंज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस वी यूज़ टू, है ना। एक जगह से दूसरे जगह हम जाते हैं तो हमारा उसके साथ टू लगाना ज़रूरी हो जाता है। या फिर इफ़ वी एक्सचेंज इन्फॉर्मेशन और आइडियाज़ तो भी टू लगाना ज़रूरी होता है। ठीक है, मैं आपको मेल भेज चुका हूँ। अच्छा, तो इसका इंटरोगेटिव बना दिया जाए, क्या आपने मेल सेंड किया है? कौन बनाएगा? क्या आपने मेल भेज दिया है? ये सेंटेंस कौन बनाएगा? जरा बनाओ तो। ये Have you sent the message? हैव You sent the message. मेल तो है, होगा Have you sent the mail? सेंड होगा कि सेंट होगा, क्या होगा? Sent होगा Have सर। you sent the mail? हैव यू सेंट द Sent, मेल? S-E-N-T. ठीक है, सेंट लगाएंगे, सेंड, और सेंड का पास्ट फॉर्म सेंट होता है। ठीक है, क्या आपका भाई मैट्रिक की परीक्षा पास कर चुका है? क्या आपका भाई मैट्रिक की परीक्षा, मैट्रिक की परीक्षा मजिद बनवाइए? Has your brother passed the examination of 10th? चलिए ठीक है, मैट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन भी बोल सकते हैं। ठीक है, Matriculation, हैज़ योर ब्रदर पास्ट मैट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन, है ना, हैज़ योर ब्रदर पास्ट मैट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन। ठीक है, अब बात आप लोगों को समझ में आ चुकी होगी, है ना। तो अब हम लोग चलते हैं WH इंटरोगेटिव का निगेटिव, है ना, डब्ल्यू से। अभी तो यस टू एच, हाँ, नेगेटिव इसी का अभी, ये तो यस नो निगेटिव का बात है क्या? एक सेकेंड, कौन माइक ऑन करके बैठा है? मोबाइल का मरम्मत करवाओ, 10-20 रुपये लगा करके माइक बनवा लो। यहाँ पर नेगेटिव स्ट्रक्चर लिखा गया था, नॉट वहाँ नहीं होना चाहिए। अब हम लोग लिखेंगे इसका नेगेटिव। ठीक है, दो तीन एग्जाम्पल बनाने के बाद अब हम लोग डब्ल्यू इस पे चलेंगे ताकि प्रेजेंट परफेक्ट का काम तमाम हो। यस नो इंटरोगेटिव में अब हम जोड़ देंगे नेगेटिव। ठीक है, अब यहाँ पर प्लस होना चाहिए, यहाँ नॉट हो जाएगा। ये हमारा स्ट्रक्चर है प्रेजेंट परफेक्ट का नेगेटिव का। ठीक ना, एग्जाम्पल, क्या आपने अब तक बिजली का बिल जमा नहीं किया है? क्या आपने अब तक बिजली का बिल जमा नहीं, क्या आपने अब तक बिजली का बिल जमा नहीं किया है? बनवाइए। Have you not paid the electricity bill? अच्छा, कुछ अब तक का अंग्रेजी क्या होगा?
अवतरता नहीं पता है। कल बताए थे आपको, गेट टिल लगाएंगे। दूसरा कोई बोलिए, परफेक्ट। नाउ ही होगा, नहीं, टिल नाउ का काम नहीं है, येट का काम है यहाँ पे। एट हाँ, लगेगा टिल सर। हैव यू नाउ और नॉट, ड्यूरेशन अगर कोई शो करते हैं ना, है ना, तब हम वहाँ टिल नाउ का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे पूरे ड्यूरेशन जो स्टार्ट से लेकर के एंडिंग तक के बीच में अगर हम वहाँ हों तो टिल नाउ का प्रयोग करेंगे, लेकिन अभी हम यहाँ पे अब तक येट वर्ड का इस्तेमाल करना होगा। येट वर्ड अप्रोप्रिएट है, ठीक है। तो क्या होगा बोलिए, कोई कल जो पढ़े थे उनको पता होगा। Have you not yet paid the electricity bill? Have you not yet? Have you not yet paid the electricity bill? ठीक है, have you not paid the electricity bill? Have you not yet paid the electricity bill? Yet का इफेक्ट हम वर्ब पे देते हैं ताकि वो बिल्कुल भी क्लियर होता है कि हम जो बात कर रहे हैं अब तक वो एक्शन वर्ड पर ही हमारा फोकस है, ठीक है। हैव यू नॉट येट पेड द इलेक्ट्रिसिटी बिल। आवाज़ आप लोग को क्लियर आ रही है ना? यस सर, क्या ट्रेन यस सर, आवाज। अब तक नहीं खुली है? क्या ट्रेन अब तक दिल्ली नहीं पहुंची है? ऐसा बनाइए, क्या ट्रेन अब तक दिल्ली नहीं पहुंची है? बनवाइए। तो कौन बनवाएगा इसका? शहाबुद्दीन बनेगा? तू तो मत माइक मत माइक मत जी खोलो सर, भाई, मैं ये कौन बनवा रहा है? ट्रेन नॉट एट अराउंड दिल्ली। नहीं, वो तो हमारे पोजीशन के अपोजिट डायरेक्शन में है ना, तो आ रहा ही नहीं ना। हम दिल्ली में थोड़े बैठे हुए हैं, ठीक ना। हाँ, अगर आप दिल्ली स्टेशन पर हैज दिस वेट कर ट्रेन रहे हैं तो नॉट अराइव्ड अराइव नहीं, ये रीच का वर्ड, रीच वर्ड का यूज़ कीजिए। येट? तो हैव थोड़ी एज ना, द हैज़ होगा। हैज़ द एज ट्रेन, द हैज़ द ट्रेन नॉट येट रीच्ड दिल्ली? हैज़ द ट्रेन नॉट रीच्ड दिल्ली? हैज़ द ट्रेन नॉट येट रीच्ड दिल्ली, ठीक है, क्वेश्चन मार्क। चलिए अब डब्ल्यू एच सेंटेंस पढ़ते हैं हम लोग। डब्ल्यू एच 7 मिनट और है, 7 मिनट में कम से कम, वीडियो में तो बहुत लंबा हो जाएगा, इसके वजह से हम लोग शॉर्ट में निपटाना पड़ेगा, आधा घंटा में ही। उसके बाद जो भी क्वेश्चन होगा आप लोग कर सकते हैं। डब्ल्यू एच के लिए आगे बढ़ते हैं। डब्ल्यू एच इंट्रोगेटिव में क्या होता है कि इसका जवाब हमको डिस्क्रिप्टिव वे में देना पड़ता है, इसीलिए इसको डब्ल्यू एच इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहा जाता है, ठीक है। इसमें क्या करना है कि बस ये जो हैव हैज़ हम लोग लिखे थे इसी के साथ डब्ल्यू एच प्लस कर देंगे, बाकी सिस्टम सारा वही रहेगा। इसमें हो गया, ये हमारा स्ट्रक्चर तैयार है, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल जैसे हम बात कर सकते हैं कि क्या आपने दवा नहीं खाया है, क्या आपने दवा खा लिया है ना। घर में कोई बड़े बुजुर्ग होंगे उससे पूछना होगा, या फिर कोई बीमार पेशेंट है उससे पूछना होगा कि क्या आपने दवा ले लिया है ना, क्या आपने स्कूल का फी जमा कर दिया है, क्या आप परीक्षा पास कर चुके हैं। तो ये तो सारे यस नो इंटरोगेटिव में है, डब्ल्यू एच इंटरोगेटिव में नहीं होगा। सब सो रहे हैं क्या? नो सर, डब्ल्यू डब्ल्यू एच के डब्ल्यू एच इंटरोगेटिव का कोई एग्जाम्पल बताइए। आपने ये मोबाइल कब खरीदा है? वेन से हो जाएगा, इसमें डब्ल्यू एच वर्ड आना चाहिए, ठीक है। आपने यह कहानी कैसे लिखी है, ठीक है। वे लोग दिल्ली कब पहुंचे हैं, है ना, इस तरह की जो सेंटेंस रहेगा वो सारा हमारा डब्ल्यू एच इंटरोगेटिव रहेगा, ठीक है। जैसे कि आप लोग दिल्ली कब पहुंचे हैं, बनवाइए जल्दी से कोई।
दिल्ली कब कब पहुंचे हैं? बोलिए कब का अंग्रेजी क्या हो जाएगा? वेन से हो जाएगा शुरू। वेन हैव यू दिल्ली। वेन हैव यू रीच दिल्ली? ठीक है, आपने ये नई घर कब खरीदी है? आपने यह घर कब खरीदी है? ठीक है, या फिर दूसरा कोई सेंटेंस, आपने मुझे मेल क्यों भेजा है? आपने मुझे मेल क्यों भेजा है? भेजा Why are you send me email? ए सरकार, आर क्यों हो जाएगा इसमें? नहीं ना होगा, आपने मुझे या माँ होगा ना। आपने मुझे मेल, MAIL, मेल मेल क्यों भेजा है? क्यों भेजा है भाई मेल? आपने कहा कि सर मैं मेल भेज दिया हूँ, चेक कर लीजिए, तो मुझे पता ही नहीं है कि भाई आपने मेल क्यों भेजा है, तो मैं कैसे पूछूंगा आपसे कि आपने मेल क्यों भेजा है? Why have you sent Email the mail? या sent me the mail वो बोल सकते हैं, me यहाँ पर मी लगा दीजिए। Why have you sent me the mail? है ना, आपने मुझे मेल क्यों भेजा है? Why have you sent me the mail? ठीक है, आपने यह प्रश्न कैसे हल किया है ना, अगर कोई क्वेश्चन हो, आपने यह प्रश्न, आपने यह प्रश्न कैसे हल किया है? इसका कैसे होगा? हाउ हैव यू सॉल्व दिस क्वेश्चन? वेरी गुड, हाउ हैव यू सॉल्व दिस क्वेश्चन? हाउ हैव यू सॉल्व दिस क्वेश्चन? ठीक है, हाउ हैव यू सॉल्व दिस क्वेश्चन? आपने यह प्रश्न कैसे सॉल्व किया है? ठीक है, अगर रहेगा कि आपका दोस्त ने यह प्रश्न कैसे सॉल्व किया है, तो तब कैसे होता? आपका दोस्त ने यह प्रश्न कैसे सॉल्व किया है, तब कैसे Will होता? help your friend solve this question? हाउ, Has your friend हाँ, हाउ हैज योर फ्रेंड सॉल्व दिस क्वेश्चन? solve this अब question? वहाँ हैज लगाना पड़ता है, क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर की बात हो रही थी, इसके वजह से हमें वहाँ हैज लगाना पड़ेगा, है ना? हाउ हैज योर फ्रेंड सॉल्व दिस क्वेश्चन? ठीक है, इस तरह से सेंटेंस रहेगा, जैसे आपने बस कब पकड़ा है, यानी कि निकले हैं पटना जाने के लिए या फिर कहीं जाने के लिए, तो हम पूछेंगे आपसे, ठीक है आपने बस कब लिया है, इतना देर हो गया आप लोग नहीं पहुँचे, तो कैसे होगा उसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे? आपने बस कब पकड़ा है? आपने बस कब पकड़ा है? आपने बस कब पकड़ा है? बस When पकड़, have you catch the bus? हाँ, कैच का वेन हैव यू, वेन हैव यू क्या लगाएं? बोलिए आगे। What the bus होगा सर? वेरी गुड, गलती रियलाइज कर लेना अच्छी बात है। वेन हैव यू कॉट, CAUGHT, वेन हैव यू कॉट द बस? ठीक है, ये हमारा कंप्लीट हो गया, आधे घंटे का वीडियो तैयार हो गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग, है ना?